अजीत पवार समेत 69 लोगों के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज किया गया 25,000 करोड़ रुपए के सहकारी बैंक घोटाले का केस अब लगभग दम तोड़ चुका है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस केस की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इसमें कहा गया है कि अजीत पवार के खिलाफ लगे आरोपों का कोई सबूत नहीं मिला है। इस केस में अजीत पवार सहित सभी 69 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। आपको बता दें कि मुंबई हाईकोर्ट के निर्देश पर अगस्त 2019 में अजीत पवार समेत इन 69 लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आर्थिक धोखाधड़ी और आर्थिक अनियमितताओं का केस दर्ज किया था। चुनावों से ठीक पहले दर्ज हुए इस केस से एनसीपी की छवि को बड़ा झटका भी लगा था। इसी मामले में चुनाव से ठीक पहले ईडी ने भी केस दर्ज किया था। उसमें अन्य आरोपियों के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी आरोपी बनाकर नोटिस जारी किया गया था। हालांकि आर्थिक अपराध शाखा की एफआईआर में शरद पवार का नाम नहीं था।